जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर कब से शुरू हो रहे हैं, कब से आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, उसकी क्या डेट है, कब ज्वाइनिंग लेटर आपके यहाँ से निकल जाएंगे और कब तक आपको मिल जाएगी। क्योंकि अब ज्वाइनिंग लेटर का जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका ऐसे जीडी में सिलेक्शन हुआ है, उनको इंतजार हो रखा है ज्वाइनिंग लेटर का। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर कितने दिन बाद आ जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि जब रिजल्ट नहीं आया था तब आप बोल रहे थे कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो अभी देख लो, अब वो दिन याद नहीं आ रहे ना आपने कितने दिन इंतजार किया है, क्योंकि धीरे धीरे रे मनार धीरे सब कुछ हो, मालिक सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो। तो अब ऋतु आ गई है, रिजल्ट की ऋतु आई थी, अब ज्वाइनिंग लेटर की भी ऋतु आ गई है। अब जैसा कि आप सबने देखा कि ज्वाइनिंग लेटर जैसे पिछली जो वैकेंसी रही है या इससे पहले 2011 की वैकेंसी या 2017 की वैकेंसी है, उससे पहले भी जितनी वैकेंसी रही है उसमें ऐसे जीडी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ऐसे जीडी का जो ज्वाइनिंग लेटर है फाइनल मेट आने के बाद में अगले 15 से 20 दिन में आता है। तो अब आपका किस दिन से आना शुरू होगा इसके बारे में बात करेंगे, साथ एक दो आपके जो डाउट है उसके बारे में पहले मैं बात कर लूं। तो दोस्तों, कई लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर आप बीएड रखते हो, आप डाडी रखते हो, कैसे रख पाते हो, फोर्स में तो क्लीन शेव है, आप हमेशा आपके हर वीडियो में बीएड रखते हो, आपको ये परमिशन कैसे मिली। ये देखो, जितने भी मोमडंस और सरदार होते हैं उनको तो ये परमिशन होती होती है, ठीक है, वो तो बीएड रख सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको जो सरदार होते हैं उनको ट्रेनिंग में भी कोई मना नहीं करता रखने के लिए, बीएड रख सकते हैं, उनके वो धर्म से रिलेटेड है तो उनको कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं हो तो रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जितने भी हिंदू होते हैं या ईसाई होते हैं इनके लिए ऐसी इस प्रकार की कोई छूट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी हिंदू हूँ, फिर भी मैं बीएड कैसे रखता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता मेरे पास में। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ मतलब इस प्रकार की ड्यूटियाँ होती है जहाँ आप ऑफ ड्यूटी करते हो, बाहर की जो ड्यूटी करते हो ऑफ ड्यूटी करते हो, तब आपको बीएड रखने की ज़रूरत मतलब आवश्यकता मतलब रख सकते हो, या मतलब बीएड क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रीय राइफल कश्मीर में, जहाँ इंडियन आर्मी जो राष्ट्रीय राइफल काम करती है, जो कश्मीर की स्पेशल, कश्मीर के लिए जो आर्मी की स्पेशल जो बटालियन है राष्ट्रीय राइफल आरआर, उसमें देखना जितने भी जवान होते हैं फौजी, वो सब किसी के बाल इतने लंबे, किसी की शेविंग इतनी लंबी, क्योंकि उसमें उनको जो डिसिप्लिन है वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उनके काम पे फोकस किया जाता है, वो हार्ड काम करते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की छूट दी जाती है। तो इसी प्रकार से मेरे को भी है कि मैं नहीं भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी आगे जब ज्वाइन कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बीएड करनी है, जहाँ ऑफिस रहता है, ऑफिस वर्क रहता है, या जो मेन कैंप रहते हैं सिटियों के आसपास, उनमें वो अनिवार्य होता है कि आपको क्लीन शेव करनी पड़ेगी, या इस प्रकार की जहाँ ड्यूटी होती है उसमें। बाकी अगर आप ऑफ ड्यूटी कर रहे हो तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हो आपकी इच्छा से, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर, आप 22 तारीख को आपका रिजल्ट आया था दोस्तों, 22 तारीख से आज हो गई 31 जनवरी, 31 जनवरी यानी कितने दिन हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31, यानी आपके 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं मेरे ज्वाइनिंग लेटर की बात करूँ, 2 फरवरी को हमारा फाइनल मेट आया था, आप सभी को पता है 2 फरवरी, या मैंने 3 फरवरी का मतलब आप मान के चलिए 2 फरवरी नाइट में आया था, तो 3 फरवरी को फाइनल मेट आया था और 17 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर आ गया था दोस्तों, यानी कितने दिन बाद आया था, 7 और 7, 14 दिन बाद में। तो आपके भी 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका भी ज्वाइनिंग लेटर 5 फरवरी के आसपास से निकलना शुरू हो जाएगा, और आप तक पहुंचने में ज़रूर 10 फरवरी तक का टाइम लग सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है 10 फरवरी तक आप सबके आस हाथ में हो सकता है, क्योंकि 15 दिन के बाद या 14-15 दिन के आसपास टाइम के बाद में SSCGD ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देती है। तो आपका भी ज्वाइनिंग लेटर ये मान लीजिए ऑन द वे है, यानी 5 फरवरी या 10 फरवरी के बीच में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों। लेकिन अब इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा चोट चाट से दूर रहें। उसके बाद में 17 फरवरी को हमारा मतलब वो इशू हुआ था मेरे पास में, 19 फरवरी के समथिंग वो पहुँचा था ज्वाइनिंग लेटर मेरा, और 21 मार्च की ज्वाइनिंग थी, मतलब 1 महीना 2 दिन का टाइम ज्वाइनिंग में मिला था। इस यही बात मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उस आने के बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या जितने भी जो काम है उस पर इस बार क्या पता कुछ अलग नई अपडेट आए, या नई बैंक, कौन सा बैंक अकाउंट है वो नया आए, या कुछ डिटेल आए, तो उसके बाद में वो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। उसके बारे में जैसे आपका किसी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा उससे वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसको किस प्रकार से आपको फिलिफाई करना है, किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो यानी अगर 10 फरवरी तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसके बाद में 10 मार्च आपकी ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, यानी 10 मार्च या 10 मार्च से या 15 मार्च के बीच में आपकी ज्वाइनिंग डेट होने वाली है दोस्तों। इसीलिए अब तैयार हो जाइए और ज्वाइनिंग लेटर आपके ऑन द वे ही है, अब ज़्यादा दूर नहीं, केवल 5-7 दिन की बात और है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।